जैसे हमारा टॉपिक है लैटिस एज अ एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, तो हमारी अनदर डेफिनेशन है लैटिस की, क्या है? आ नॉन एम्प्टी सेट एल, एक नॉन एम्प्टी है सेट एल जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट है, टूगेदर विद टू बाइनरी कॉम्पोजिशन, जो कि दो बाइनरी कॉम्पोजिशन के साथ है, जॉइन एंड मीट, इसे हम जॉइन एंड मीट बोलेंगे, हम एंड और की जगह, इस सेट टू बी अ लैटिस, हम इसे लैटिस कहेंगे इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। यहाँ पे भी कोई चार रूल है हमारे, यदि कोई भी सेट एल है वो हमारे चार रूल इस कॉम्पोजिशन बाइनरी कंपोजिशन के साथ हमारा सेटिस्फाई कर जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, लैटिस। ये हमारी लैटिस की अनदर, वो हमारी पोसेट की फॉर्म में थी, ये हमारी एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या करेंगे हम, जो हमारा एल है सेट, उसके कोई दो एलिमेंट लेंगे ए बी, उनकी जॉइन एंड मीट निकालेंगे, वो जॉइन एंड मीट हमारी सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। मतलब क्या है कि हम ए मीट बी निकालें एंड बी मीट ए निकालें, ये दोनों सेम ही होंगे। इसी तरीके से ए जॉइन बी निकालें या बी जॉइन ए निकालें, इनकी वैल्यू भी इक्वल होगी। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या करेंगे हम, एल के तीन एलिमेंट लेंगे ए बी सी। अब ए बी सी के साथ क्या करेंगे हम, कि सबसे पहले तीनों में दो एलिमेंट का एक साथ और तीसरे एलिमेंट का उन दोनों एलिमेंट के साथ जॉइन एंड मीट निकालेंगे, उनका वैल्यू इक्वल होगी। किसी दूसरा सेट लेंगे हम, उसमें क्या करेंगे, कोई दो एलिमेंट जैसे यहाँ पे बी और सी लिया था एक साथ, यहाँ पे ए और बी लेंगे, उसका हम मीट निकालेंगे सी के साथ, ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी। ये हम जनरली ग्रुप थ्योरी में जानते ही हैं, जॉइन एंड मीट निकालना हमें आता ही है। जॉइन का मतलब हमारा सुप्रीमम हो जाता है, मीट का मतलब हमारा इन्फिमम हो जाता है। तो हम किसी भी सेट का जो सुप्रीमम इन्फिमम फाइंड आउट करके इस प्रॉपर्टी को होल्ड करके चेक कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे एब्जॉर्प्शन लॉ, जो हम पीछे भी लैटिस की सम प्रॉपर्टी में पढ़ के आए थे, क्योंकि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में है तो इसमें भी सेम होगा। ए बी दो एलिमेंट ले लेंगे एल के, उसमें क्या करेंगे ए मीट निकालेंगे ए जॉइन बी के साथ, वो किसके इक्वल होगा ए के। इसी तरीके से ए मीट ए जॉइन निकालेंगे हम ए मीट बी के साथ, वो भी किसके इक्वल होगा ए के। यदि किसी में भी ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती हैं तो इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है हमारा, क्या स्ट्रक्चर, जो एल सेट है और जो दो बाइनरी कॉम्पोजिशन रखता है, बाइनरी कौन कौन से कॉम्पोजिशन, ये जॉइन एंड मीट वाले, ये मीट हो गया, ये हमारा जॉइन हो गया, इन दोनों बाइनरी कंपोजिशन रखता है और ये हमारी तीन प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। वो शुरू में मेरे चार निकल गया था, क्योंकि लैटिस में चार होती हैं हम प्रॉपर्टी एज अ पोसेट में, लेकिन एल्जेब्रिक में तीन प्रॉपर्टी होल्ड करवाएंगे। ये तीनों प्रॉपर्टी यदि हमारी होल्ड हो जाती हैं तो हम क्या कहेंगे, जो हमारी ये लैटिस है वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एज अ लैटिस है, क्या, एल सेट नॉट अ लैटिस। तो ये हमारी लैटिस एज अ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर।